मैंने पेन भी ला के रख दिए हैं इन सारे सामान को। अभी मुझे ये प्रेस करके रखना है और घुंघरू ला दूँ, है ना। घुंघरू चाहिए तो घुंघरू निकाल देती हूँ। और ये ला दिए मैंने इसके घुंघरू। तो सारी चीज़ें एक जगह पे मैं करके रख दूँगी, क्योंकि 6:30 बजे स्कूल के लिए निकलना है, तो सब अभी तैयारी करनी पड़ेगी। और आई शेडो भी लेके आई थी, वो कहाँ रख दिया, वो भी वहाँ रखा है। तो आई शेडो भी अभी लेके आई हूँ, क्योंकि इसके ना ये ग्रीन कलर का और ये सारी चीज मतलब लगाने हैं जो भी हमारे फ्लैग के होते हैं कलर उनको, तो ये मैं अभी लेके आई हूँ, उसको लगाना है उसके लिए। तो बस हो गई हमारी तैयारी और अब जा रही हूँ मैं डिनर बनाने। ये हमारा झंडा भी हमने डंडे में पिरो दिया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो झंडा तैयार हो चुका है, अब जाके मैं खाना पीना करती हूँ। और इसके बाद आज तानी को जल्दी सुलाना भी है, क्योंकि जल्दी उठाना भी है कि मैं सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर जल्दबाजी में बना पाया तो वीडियो जल्दी जल्दी में अगर बन पाया तो दिखाऊंगी, और नहीं तो एक दो तो मतलब कर ही लूंगी, जैसे तैसे करके क्लिप वगैरह डाल दूंगी, छोटी सी फोटो वगैरह डाल दूंगी। देखिए तानी काफी हद तक रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा तैयार और करना है इसको। जल्दी करो बेटा। ये देखिए मेरी तैयार हो गई है झांसी की रानी। चले, और नीचे पैरों में क्या पहनोगी, शूज की सैंडल पहनोगी। ये देखो फोटो खींची जा रही है तानी की। मोबाइल तो रख दो, फोन करने जा रही थी ना फ्रेंड को। क्यों देखो सैंडल, हाँ थोड़ी मैच कर रही है। चलो लो फोन पकड़ो, मैं चलाऊं गाड़ी जल्दी। देखो कहाँ आके बैठ गया। डंडा तो दो, मैं इसको तो भगाऊं, इसी से दे दो, भगाओ इसको, चक्के इसी में ना घुस जाए वो अंदर। इसको पहले बंद करूं? नहीं, हाँ बंद करो। अब देखो करो इसको, लाओ मैं करूं। यार कहाँ घुस गया सुबह सुबह, ऐसे नहीं होगा। मम्मी चल निकल। ये है तानी का स्कूल और यहाँ पर हो रहे हैं प्रोग्राम। और हम लोग है ना पेरेंट्स बहुत पीछे खड़े हुए थे, बहुत तो काफ़ी दूर था। और देख सकते हैं आप बड़े बच्चों का ये प्रोग्राम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये दूर की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए थे। और इसके बाद हम लोग गए थे पुलिस परेड ग्राउंड। यहाँ पर मतलब 1-1.5 घंटे का ही प्रोग्राम था। फिर इसके बाद जो और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे वो थे पुलिस परेड ग्राउंड में। तो पूरा तो हम लोगों ने नहीं देखा, पर थोड़ी देर के लिए जाके देखा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, परेड ग्राउंड की जो प्रोग्राम थे, तो
वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब प्रोग्राम होते हैं और बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके परेड वगैरह भी होती है। और इसके साथ ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जो यहाँ के डांस होते हैं वो सब हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और लोग तरह तरह की झांकियाँ भी लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी दूर से फ़ोटो वगैरह लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ग्राउंड पूरा खाली रखना पड़ता है। काफ़ी दूर से फ़ोटो वगैरह खींचनी पड़ती है, वीडियो जो लेने पड़ते हैं काफ़ी दूर से लेने पड़ते हैं। तो गाने तो मैं नहीं चला सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पर आप सबके सामने आएंगे पीटी का अभ्यास, सब अपना अपना मार्क ढूंढेंगे, मार्क बनाया गया है ना, बल्कि शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का एक संदेश भी है। हम अपने दैनिक जीवन में योग एवं व्यायाम को भी एक उचित स्थान दें, क्योंकि स्वस्थ रहकर हम अपने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी स्कूलों के बच्चे आते हैं, मतलब जितने भी स्कूल हैं जो भी प्रोग्राम करना चाहता है वो यहाँ पे आके करते हैं। और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आके पीटी परेड वगैरह भी करते हैं, जो कि आज आगे आपको अभी देखने को मिलेगी। और आप देखते रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है। सब सोचो रियलिटी में जो लोग वहाँ पर देखते होंगे, पहले मैं भी पुलिस लाइन में ही रहती थी और मैं वहाँ, और क्वार्टर भी मेरा बिल्कुल पास में ही था, तो हम लोग वहाँ से देखते थे और बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये देख सकते हैं हाथों में फूल जैसे कुछ लिए हुए हैं बच्चों ने, और वही सब कर रहे हैं प्रोग्राम। तो ये भीड़ भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो रही है, चारों तरफ परेड ग्राउंड की ऐसी भीड़ होती है, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। स्टार्टिंग का ही बनना था, स्टार्टिंग जानती हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन लड़का है। अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इधर आओ, तो घर चलो, चलो 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 घर चले।
हमारा ये आ गया है नाश्ता और हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। ये है लड्डू जो स्कूल से मिले हैं, दो लड्डू है, एक मेरा और एक तानी का। चटनी और कचौड़ी, पोहा, ये सारी चीज़ें और कचौड़ी है, ये दाल की कचौड़ी तानी की। चलो खा लो। आज अभी हम इसको लगा देंगे, बारिश हल्की हल्की सी हो रही है तो भीग गया है झंडा, हमने लगाया था तो झंडा गया है भीग। अभी हम इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे रेलिंग में तो अच्छे से हमारा झंडा लग जाएगा। और चलो चलते हैं अब नीचे, तानी भी ये अपना साफ वाफ करेगी, ये पूरा फेस वगैरह जो ये देखो उसने बनाया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना। गेटअप दुपट्टा हटा दिया है इसने अभी, तो चलिए नीचे चलते हैं।